आज हम बात करेंगे बाउल मूवमेंट के ऊपर। तो बाउल मूवमेंट, बाउल आंत को बोलते हैं, ये जो आंत होती है, और मूवमेंट जब इसके साथ जुड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब है जो हम पूप बोलते हैं, मल त्याग की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम डेली प्रोसेस में करते हैं। तो हमें एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ढंग से सिखाई नहीं जाती, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपको बहुत रोचक जानकारी मिले जो आपको ना पता हो आज से पहले, तो आज से अप्लाई करना, स्टार्ट करना, देखना कितनी आपको हेल्थ वाइज हेल्प मिलेगी इसके अंदर। चलो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि कनाल, कनाल माउथ से चालू होती है, हमारे मुंह से चालू होती है और नीचे एनस पे ख़त्म होती है। कहाँ पर? नीचे एनस पर। तो ये पूरी की पूरी एक ही पाइप है, समझ रहे हो? ये यहाँ से चालू हुई, ये थ्रोट बोल दिया हमने, ईसोफेगस बोल दिया, स्टमक बोल दी, फिर डुओडेनम चालू हो गया जो पाइप होता है, फिर जेजुनम है, इलियम है, इसको हमने अपर वाले हिस्से को पूरे को लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया, नीचे वाले को लोअर बोल दिया या स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया, और एनस पे आके ख़त्म हो जाती है। तो जो इसका मुख्य यानी मुंह पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा माउथ है ये डर्टीएस्ट होता है, डर्टीएस्ट, तो इसकी आपको बहुत केयर करने पड़ती है। बार बार आप कुल्ला कीजिए, मंजन टाइम से कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले कीजिए मंजन को, जीभ पीछे से साफ कीजिए, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जमा होता है उसके ऊपर। और ध्यान रखना 600 टाइप्स के, ये एक स्टडी भी हो चुकी है जिसके अंदर 600 टाइप्स के बैक्टीरिया आपके मुंह में होते हैं। तो आपको इसके प्रति काफ़ी सचेत रहना है, मुंह को बहुत क्लीन रखिए हमेशा। और आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठकर, देखिए सुबह सुबह उठकर आपको 2 से 3 गिलास निवाया पानी हो सके तो वो पीजिए, वरना नॉर्मल पानी पीजिए। अब नॉर्मल के अंदर ध्यान रखना आपको एक नींबू निचोड़ना है बस, 2 से 3 गिलास, हो सके तो 3.5 गिलास भी कर देना, चौथा भी पी जाना, कोई टेंशन नहीं है, एक दो बार अपने साथ करना पड़ेगा ये, और आप कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर पाते सुबह सुबह, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, हम पूरी रात से डिहाइड्रेटेड होते हैं ऑलरेडी, तो सुबह सुबह तो सबसे ईजी होता है उस वक्त पानी पीना, मैंने भी आजमा के देखा हुआ है। तो मैं जब सुबह सुबह पानी पीता हूँ तो मैं भी 2 से 3 गिलास आराम से पी पाता हूँ, बल्कि मेरी जो हाइड्रेशन है वो भी होती है, मेरी प्यास भी बुझती है, और बाउल मूवमेंट बहुत ईजी होता है उस वक्त, ठीक है। अब देखो मैं इसको आपको पिक्चर वाइज समझाता हूँ, इस पिक्चर में आइए देखते हैं। अब देखो इस पिक्चर में देखना, अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों के बारे में। एक तो पोर्ट चलती है जो हम सीट भी बोल देते हैं, एक तो सिटिंग वाली चलती है जो कि वेस्टर्न है, वेस्टर्न देशों से आई है, और बहुत ज़्यादा इस वक्त तो हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा वो आ चुकी है, बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं। मेनली जो पैरों से परेशान हो, घुटनों से परेशान हो, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको। और जिसको हम इंडियन पॉट बोलते हैं या फिर इंडियन सीट बोलते हैं, बेसिकली उसका नाम है स्क्वैट, क्योंकि आप स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठते हो ना, तो उसमें पीछे की एक साइंस थी जो कि यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझी हुई थी पहले। पहले तो खुले एनवायरनमेंट में करते थे, लेकिन पोजीशन वही होती थी उनकी। तो जब आप एक तो गर्म पानी पियेंगे यानी निवाया पानी जब पियेंगे, वो आपको एक तो हेल्प करेगा, प्लस आप यहाँ पर देखना, अब ये जो व्यक्ति है ये क्या है, सिटिंग सीट के ऊपर सीधा बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया पर, तो ये जो बाहर निकलने वाला एक्सक्रेटा है यानी एक्सक्रीट जो ये सिस्टम है, ये तिरछा है, तो ये ढंग से निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, इसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि अगर प्रेशर हम मारते हैं तो ऊपर बहुत सारी बीमारियाँ कोलन को इफेक्ट करती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होने का भय बना रहता है। अब देखिए, अब इस वाली पोजिशन को देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये एंगल क्या हुआ, यहाँ पर ये तिरछा हो गया, ऐसे हो गया, पहले ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, यानी आपको 32-40 डिग्री की पोजीशन में बैठना है, तो ये एंगल क्या होता है, ये सीधा हो जाता है, तो इससे क्या है, एफर्टलेसली जो भी गंध बोल दीजिए, मल बोल दीजिए, ये बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा, और इससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स इसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि अब देखो जब हम बैठते हैं ऐसे तो आर्टरीज के ऊपर ही प्रेशर पड़ता है ना, कि टांगों से पैर ये भी दब सकता है, तो कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर रेज देखा गया है, हल्का सा ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, बट उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत रहती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये काफ़ी क्रिटिकल पार्ट होता है पेट का, पेट सही कर लिया तो बहुत सारी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी आपकी, ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो एक कोटेशन भी पढ़ी थी कि कोई लिखा था यूनानी दवाओं में कि पेट का रोग ऐसा है कि पेट के रोग सही कर लिए तो आप सारे सुखी सुखी हो। देखो पुराने ज़माने में डुओडेनम, डुओ
तो डुओ, जैसे डुअल कैमरा होता है तो टू को बोलते हैं, और डे डी ई जिसमें डेसिमल डिकेड ऐसे आते हैं ना, तो उसको 10 बोलते हैं। तो यानी, और नम मतलब नंबर। तो पहले ज़माने में क्या था, वैसे तो नापने का कोई फीता नहीं होता था, तो वो 12 हाथों के बराबर डुओडनम को माना गया। तो ये काफ़ी लंबी होती है, स्त्रियों की 1 फुट ज़्यादा होती है आदमी से और आदमी की कम होती है। बट ये होती पता कितनी लंबी है, ये तकरीबन 23.5 फुट, 22.5 फुट और 24 फुट तक हो सकती है। तो ये इतनी लंबी होती है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। चलो मेजर यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आज की डेट में, कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। अभी तो क्या होता है ना कि वेस्टर्न आइटम है, हमने लगा लिया और हमें बेसिकली उसको यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता। अब इंडियन पॉट भी हो, चाहे उसको हम स्क्वैट बोल दीजिए, स्क्वैट सिटिंग हो या फिर सिटिंग पॉट हो, दोनों ही ओके हैं अपनी जगह। आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, आपके एंगल का, आपका एंगल जो है वो 30 से 40 डिग्री के बीच में कोई बनना चाहिए, 35 बनता है तो बेस्ट है, तो इसी के बीच में कोई एंगल बनेगा और ऐसे ही आपको फॉलो करना है। और जो चीज़ मैंने बताई है कि सुबह 1 नींबू मिलाइए और 2 से 3-4 गिलास तक पानी पी जाइए और फिर देखिए क्या कमाल होता है, और आप इतना अच्छा फील करेंगे ना, पूरा दिन आप बहुत बेहतरीन फील करेंगे, आपके कॉन्स्टिपेशन वाले इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे, जो आलतू फालतू चीज़ें पड़ी हैं वो भी फ्लश होंगी। और वाटर क्या करता है, वाटर तो ब्लड भी प्योरीफाई करेगा, बहुत चीज़ों में आपको हेल्प ही हेल्प मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उसको शेयर कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।